नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आप सब लोगों को बताने वाला हूं कि NSDL पेमेंट्स बैंक का जो आप सभी लोग अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं या ओपन करते हैं, तो उसका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है, वर्चुअल ATM कार्ड होता है, वो कैसे जनरेट करेंगे। तो वर्चुअल डेबिट कार्ड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि आप NSDL पेमेंट्स बैंक का वर्चुअल डेबिट कार्ड कैसे निकालेंगे। तो वर्चुअल डेबिट कार्ड निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको अपना प्ले स्टोर से NSDL जेफी ऐप को डाउनलोड करना है। जैसा कि आप लोगों में देख पा रहे हो NSDL जेफी का आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद फिर उसको आपको ओपन करना हो। तो दोस्तों, आपको अपनी NSDL जेफी जो ऐप आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया है उसको ओपन करेंगे उस पर क्लिक करके। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेसिंग होगा। थोड़ा शुरुआती तौर में थोड़ा स्लो मोशन में चलता है, बट कोई दिक्कत नहीं, आपको वेट करना है। वेट करने के बाद आप जैसे ही इसको आपको स्किप कर देना है और फिर यहाँ पे आपको अपना 6-8 डिजिट आपको मोबाइल नंबर जो आपने अकाउंट ओपन करवाते समय जो मोबाइल नंबर दिया था वो आपको मोबाइल नंबर इंटर करके प्रोसीड पे क्लिक करना है या आगे बढ़े पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं तो ये आपको इसी नंबर पे एक OTP भेजेगा, जो OTP आपको डाल के सबमिट करना है। तो ये प्रोसेसिंग ले रहा, प्लीज़ वेट, आपको वेट करना है। तो यहाँ पे आपको फिर प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिख के आ रहा रीसेट MPIN इंटर OTP। जैसा कि आप देख पा रहे हो मैसेज में OTP आया, मैंने डाल के सबमिट कर दिया। अब बता रहे हैं यहाँ पे सेट MPIN, आपको यहाँ पे 6 अंकों की पिन सेट करना होता है, जो ऊपर और नीचे दोनों में सेम ही डाल के सबमिट कर देना है। ये जैसे ही सबमिट हो जाता है तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बीच वाली बटन से आपको बैक कर देना, मतलब सारे टैब आपको काट देना है, सारे टैब काट देना है। अकाउंट नंबर, IFSC कोड कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, सारे टैब काट करके आपको फिर से NSDL ऐप को ओपन करना है। दोस्तों, MPIN बनाने के बाद सीधा आपको सारे टैब काट देना, मतलब आपको ऐप को बैक कर देना है और फिर से NSDL ऐप ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको 6 डिजिट पिन मांगेगा, जो आपने बनाया था वो 6 डिजिट पिन डाल करके आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, नाम वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। आपको ऐसे ऐसे स्क्रॉल करना है और कार्ड्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कार्ड्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्लेटिनम डेबिट कार्ड, इसको चेक मार्क करेंगे, गोले को चेक मार्क करने के बाद नीचे लिखा होगा ऐड कार्ड, उस पर क्लिक करेंगे। और उस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कार्ड जनरेट सक्सेसफुली, और यहाँ पे लिखा होगा यू कार्ड, इस पर क्लिक करेंगे। कार्ड के ऊपर ईकम यूजेज, इसको आपको चेक मार्क करना है, अलाउ करना है और एस कर देना है। और एस करने के बाद यहाँ पे योर रिक्वेस्ट हैज बीन प्रोसीड सक्सेसफुली, कार्ड्स पे क्लिक करना है। कार्ड पे क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे व्यू कार्ड डिटेल्स, यहाँ पे आपको फिर से वही 6 डिजिट जो पिन आपने बनाई थी MPIN वो डाल के सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपको पूरा कार्ड दिख जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से अपना कार्ड निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।